अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पंडित जी जो हमें चरणामृत देते हैं उस चरणामृत के अंदर तुलसी का पत्ता डाला होता है। बहुत से लोग अपने घरों में तुलसी की पूजा भी करते हैं। ज्यादातर लोग तुलसी को माँ कहते हैं। इस बात का बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि तुलसी को लोग माँ क्यों कहते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधों को माँ क्यों कहते हैं। भारत के लोग तो गाय को भी माँ कहते हैं, इस बात का भी काफी मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि एक तुलसी अगर हमारे बुखार को सही कर सकती है, कैंसर को ठीक कर सकती है, झड़ते हुए बालों को रोक सकती है, तो ये तुलसी को माँ कहना गलत कहाँ होगा। एक माँ भी तो बच्चे के लिए यही करती है, एक माँ भी अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही तुलसी माँ भी हमारा बहुत ख्याल रखती है। आप देखिए तुलसी विवाह का एक त्योहार भी मनाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये अंधविश्वास है, तुलसी के पौधे का विवाह किया जाता है। पुराने जमाने में तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता था, इससे कई तरह के फायदे होते थे। लेकिन आजकल हम लोगों को लगता है कि घर के आंगन में तो बड़ी सी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, न कि ये तुलसी का पौधा। इसीलिए आज आप देखेंगे कि किसी भी घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है। आंगन छोड़िए, घर में तुलसी का पौधा है ही नहीं। लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात करें तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर घर में तुलसी का पौधा था क्योंकि वो लोग तुलसी के फायदे जानते थे। लेकिन आजकल हम लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप इन्हीं चीजों के फायदे पता हैं। हमें सेहत से जुड़ी हुई इन औषधियों के फायदे तो पता ही नहीं है। हम लोग कितने भी आजकल इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाएं, सेहत के मामले में, औषधियों के मामले में हम लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं। लेकिन पुराने जमाने में चाहे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लोगों को पता था कि घर में ही कैसे बीमारियां ठीक करनी है। पुराने जमाने में लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे और ना ही इतनी मेडिकल फैसिलिटी थी। पुराने जमाने में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी चीजों को तो घर पर ही ठीक कर लिया जाता था। यहां तक कि पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर ही पैदा हो जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन के बिना पैदा ही नहीं होते, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशन तो होता ही नहीं है। वैसे ये नॉर्मल ऑपरेशन एक कुदरती चीज है। जानवरों का कभी अपने सिजेरियन देखा है? लेकिन इंसानों में आजकल बच्चे भी ऑपरेशन से पैदा होते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्मों में बताई हुई इन चीजों को अंधविश्वास ना मानकर इनके पीछे के विज्ञान को जाने। आज मैं आपको तुलसी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स जिनको आप अंधविश्वास मानते हैं, जैसे कि तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाते हैं, तुलसी का पौधे को हम माँ क्यों कहते हैं, तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है, और उसके बाद आपको तुलसी के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे जानकर तुलसी का पौधा आज ही आप अपने घर में ले आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। आप एक चीज देखिए, तुलसी विवाह का समय कब है? जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं। और तुलसी विवाह में दरअसल किया क्या जाता है, तुलसी पर चुनरी ओढ़ दी जाती है। आपको एक चीज मालूम होगी कि तुलसी का पौधा सर्दी को झेल नहीं सकता, इसीलिए तुलसी पर चुनरी ओढ़ दी जाती है ताकि इस पौधे की रक्षा हो सके, ये पौधा सर्दी से बच सके। यही एग्जैक्ट कारण है तुलसी विवाह का। और दूसरी चीज ये कि तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाया जाता है। देखिये फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी मच्छर नहीं आते। तुलसी के पौधे के आसपास किसी भी तरह के वायरसेस और बैक्टीरियाज नहीं रह सकते, इसीलिए तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता है ताकि घर के अंदर बुरे बैक्टीरियाज, वायरसेस, मच्छर प्रवेश ना करें। अगर आप डेंगू जैसे मच्छरों से बचना चाहते हैं तो घर के आंगन में तुलसी को लगाएं, क्योंकि इससे आपके घर में मच्छर प्रवेश ही नहीं करेंगे। अगर डेंगू के मच्छर आपके घर में आएंगे नहीं तो डेंगू होगा नहीं। तो इसीलिए तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता था ताकि घर के अंदर कोई बीमारी प्रवेश ना करे। आज भी आप देखिए तुलसी के पत्ते को चरणामृत के अंदर डाला जाता है। दरअसल तुलसी के पत्ते में वो गुण है जो कि पानी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, ये पानी को शुद्ध करते हैं। इसीलिए तांबे के जग में अगर पानी रखा जाए और उसके अंदर तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो 8 घंटे बाद वो पानी पानी नहीं चरणामृत यानी कि अमृत बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा चरणामृत को तांबे के बर्तन में रखा जाता है। तो धर्मों में अगर इन चीजों को बनाया गया है तो इनके पीछे का कोई विज्ञान है, इनके पीछे कुछ एक चिकित्सा जुड़ी है, कुछ एक आयुर्वेद जुड़ा है ताकि हम अपनी जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकें। इसीलिए तुलसी को धर्मों के जरिए हमारी जिंदगी से जोड़ा गया ताकि इस तुलसी के जरिए हम हमेशा स्वस्थ रहें। तुलसी के पत्तों को अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप अपनी कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि तुलसी के बारे में ये कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए। वैसे ये धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को नहीं चबाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रहस्य ये है कि तुलसी के पत्ते में कुछ मात्रा में मरकरी यानी कि पारा होता है। ये पारा वैसे तो जहर है, अगर ये हमारे दांतों के बीच में ठहर जाए तो ये हमारे दांतों को गला देता है, साड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए ताकि मरकरी हमारे दांतों में जमा ना हो। इसी तरह से अगर आप तुलसी के पत्ते को निगल जाते हैं सुबह खाली पेट तो आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को कैसे खाना है
इसे बिना चबाए 2 से 3 पत्ते सुबह खाली पेट आपको लेने हैं। अगर इस तरह से आप तुलसी के पत्ते खाते हैं तो आप कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सांस से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम या अस्थमा है, तो आप तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। आप देखेंगे आपका सर्दी खांसी जुकाम अस्थमा ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आप काफी समय से इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वो इनहेलर छूट जाएगा और आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको डेंगू हो जाए और अगर आप अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। एक दिन में 2 से 3 बार आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा भी पी सकते हैं, इससे भी आपके सेल्स को बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तुलसी के पत्तों के जरिए आप अपने किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते हैं। अगर आपको कभी भी बुखार आ जाए तो तुलसी के पत्तों का रस निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें शहद मिलाइए 1 से 2 चम्मच सुबह दोपहर और शाम अगर पेशेंट को दिए जाए तो उसका हर तरह का बुखार निकल जाता है। जिस तरह से पैरासीटामोल टैबलेट काम करती है उसी तरह से ये औषधि भी काम करती है। पैरासीटामोल टैबलेट्स के साइड इफेक्ट हैं, लेकिन तुलसी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और तुलसी से बुखार ठीक होने के साथ साथ प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं और कई तरह के अन्य रोग भी शरीर से खत्म होते हैं, जैसे कि कैंसर, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, यहां तक कि आप तुलसी के जरिए बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं। आजकल बहुत से लोग झड़ते हुए बालों से परेशान हैं। बहुत से लोग कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि विटामिन ई, बायोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम और न जाने कितने सप्लीमेंट्स। बहुत से लोग कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी अपने बालों पर लगाते हैं। कुछ लोग सीरम लगाते हैं ताकि बालों का सोल्यूशन हो सके, बालों का झड़ना रुक सके। लेकिन तुलसी एक बहुत ही बेहतरीन चीज है झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये डैंड्रफ को कुछ ही दिनों में खत्म कर देती है। आपको करना क्या है, तुलसी के पत्तों का रस निकालना है। इस रस को एज अ सीरम अपने बालों की जड़ों में लगाएं। हफ्ते में 2 बार ऐसा करें और लगातार 1 महीना ऐसा करें। आप देखेंगे इससे आपके बालों का झड़ना रुकेगा, बालों का डैंड्रफ खत्म होगा, बाल सफेद हैं तो काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। यानी बालों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स का अगर कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको तुलसी से मिल सकता है। लेकिन हाँ, तुलसी के बारे में एक चीज का ध्यान रखना है कि तुलसी आपको गहरे हरे रंग वाली यूज करनी है, जिसे श्याम तुलसी कहती है। मार्केट में आपको 2 तरह की तुलसी मिलेगी, राम तुलसी और श्याम तुलसी। आपको श्याम तुलसी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट खाना शुरू करें, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुलसी के पत्ते हमारी भूख को बढ़ाते हैं, डाइजेशन को ठीक करते हैं। साथ ही साथ अगर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाएं तो उन्हें भी आप तुलसी के पत्ते खिलाइए। तुलसी के पत्ते खाने से 1 हफ्ते में सभी तरह के पेट के कीड़े मर जाते हैं। वैसे अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको टैबलेट्स देगा, उस टैबलेट से आपके बच्चे के पेट के कीड़े मर भी जाएंगे। लेकिन सोचिए, जिस दवाई से कीड़े मर सकते हैं उस दवाई से हम भी तो मर सकते हैं। चाहे थोड़ा सा ही साइड इफेक्ट हो, लेकिन ये दवाइयां जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं ये जहर हैं। अगर उस दवाई से कीड़े मर रहे हैं तो इसका मतलब है वो जहर है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जहर तो नहीं देना चाहेगा। तो आप क्या कीजिए, तुलसी का रस दीजिए या तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट अपने बच्चों को खिलाइए। आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेट के कीड़े सारे गायब हो जाएंगे। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी तुलसी के पत्ते बहुत फायदेमंद हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप तुलसी के 2 से 3 पत्ते सुबह खाली पेट खाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे इससे आपका शुगर का लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। दरअसल बहुत से लोग डायबिटीज को ठीक करने के लिए पिछले 10-20 साल से दवाई खा रहे हैं और वो देख रहे होंगे समय बीतने के साथ साथ उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ये कहता है कि डायबिटीज से इंसान का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ये क्यों नहीं कहता कि ये जो दवाई वो आपको दे रहा है, दरअसल ये दवाई आपकी किडनी और लीवर को डैमेज करती है, आपके शरीर को कमजोर करती है। डायबिटीज शरीर को कमजोर नहीं करती, हमारी ये जो दवाइयां हैं ये शरीर को कमजोर करती हैं। लेकिन डॉक्टर इसके बारे में नहीं बताते क्योंकि इससे उनकी दुकान बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छी चीज है परहेज। अगर आप मीठा खाने से परहेज करेंगे और अच्छा खाना शुरू कर देंगे तो आपको दवाई लेने की जरूरत है ही नहीं। हमारी बॉडी इतना इंसुलिन तो बना ही लेती है कि नेचुरल शुगर एब्जॉर्ब हो पाए। कौन सी शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती, जो सफेद चीनी हम खाते हैं। वो इतनी ज्यादा चीनी जो हम खाते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ढेर सारा इंसुलिन चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन वैसे भी कम होती रहती है।
इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो आप खाली पेट तुलसी के पत्ते खाना शुरू करें। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आप डायबिटीज, हार्ट अटैक, ढेरों बीमारियों से बच सकते हैं और आजकल की जितनी भी बीमारियां हैं आप उन्हें बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि तुलसी को धर्मों में इतनी मान्यता क्यों दी जाती है, क्यों तुलसी को अपने घर के आंगन में लगाया जाता है, क्यों तुलसी की इतनी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको तुलसी के फायदे अच्छे से समझ आ ही गए हैं तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हो सके तो घर के आंगन में लगाएं, नहीं तो घर के मेन दरवाजे पर लगाएं, ताकि आपके घर में बैक्टीरियाज और वायरसेस प्रवेश ना करें और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। ये छोटा सा पौधा आपको कई बीमारियों से बचा कर रख सकता है। तो आज ही तुलसी का पौधा घर में लेकर आएं और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।